समीर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्रपोजल काम करेगा। टीम लीड के नाते ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम अपने काम पर वापस जाओ जब तक तुम्हारा घर जाने का टाइम नहीं होता। अरे सनाया, तुम मेरे टीम लीड से कह सकते हो कि मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ? यू नो, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकती हो। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सनाया और मैं नाराज क्यों हुए? जबकि रवि और बेला का मकसद हमारा अपमान करना नहीं था, लेकिन वो अपने मुद्दे को ज्यादा नम्रता से हमारे सामने पेश कर सकते थे। नम्रता घर से शुरू होती है, हमारे मामले में काम से। भले ही ये आपके दोस्त हों या टीम लीड, आइए जानते हैं कि वो इससे बेहतर कैसे कर सकते थे। एक्सक्यूज मी। हाँ रवि। ये एक बढ़िया शेड्यूल है जो तुमने तैयार किया है। मुझे एक छोटी सी परेशानी है। क्या मैं? हाँ बिल्कुल। मुझे अपनी एंट्रीज के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं, क्या मुझे इसके लिए कुछ और समय मिल सकता है? ओके, मुझसे छूट गया होगा, मैं इसे जरूर सुधारूंगा। इसे मेरे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद रवि। थैंक यू। यू वेलकम। हे सनाया, मुझे एक मदद चाहिए थी। मुझे डॉक्टर से मिलने के लिए जल्दी निकलना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अपने टीएल से कैसे कहूँ। तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है। क्या मेरी मदद करोगी? श्योर बेला। क्या आपने मेरे और सनाया के एक्सप्रेशंस देखे? गलती को बताने से पहले हमेशा उस व्यक्ति को कुछ सकारात्मक कहने की कोशिश करें, और हमेशा मदद मांगते समय विनम्र रहें। आखिर यह मदद है। यहां कुछ सुझाव हैं जो आपको अपने कस्टमर्स को संभालने में मदद करेंगे, जिसे हम देखने वाले हैं।